नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में बड़ी निर्मम हत्याएं जो है वो हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सराय काले खां में भी एक 16 वर्षीय तिलक की गोली मारकर हत्या की गई और गटर में उसको डाल दिया गया। 2 महीने से उसकी बॉडी का कोई अता पता नहीं है। और वहाँ भी जो है एक जो अपराधी है वो फाद नाम का है, जिसने ये कार्य किया है, और जो उसके अन्य साथी हैं, जो उनके परिवार हैं, उसको भी कोई सिक्योरिटी या कोई सुरक्षा नहीं है। और यहाँ शाहबाद डेयरी में इतना बड़ा कांड, हत्याकांड आपने देखा, साक्षी जाटव की जो निर्मम हत्या की गई, बड़ी बेदर्दी से उस बच्ची की हत्या की गई है। जो साक्षी के माता पिता है उनका यही कहना है कि उन्हें वहाँ पर जो है खतरा है, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी है और ना ही वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा है। सभी मीडिया कर्मी यही आवाज़ उठा रहे हैं कि न्याय मिले, और साहिल खान ने ये किया, साहिल खान ने वो किया। लेकिन जो गहराई की जो बात है, क्योंकि परिवार की सुरक्षा को लेकर जो जागो समाज चैनल लगातार आवाज़ उठा रहा है, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। ने आपको दिखाया कि वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जब डीसीपी साहब के पास कॉल किया गया टीम के द्वारा, तो डीसीपी साहब ने कहा वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है हर वक्त, लेकिन वहाँ पर हमने एक भी पुलिसकर्मी नहीं देखा। जी, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, सुनील अंजाना जागो समाज चैनल से। जी सर। जी, तो आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम अभी हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं, वो ट्रैफिक को जाकर के पर्दा हटा करके हाथ डाबे गेट में झांक रहा था कि कहाँ सो रहे हैं। कौन कौन थे? पता नहीं सर, कौन था, 1:30 बजे रात को आया था कोई। तो वर्दी में थे या सिविल में थे? ऐसे ऐसे कोई चोर टाइप का था सर। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ सर कोई सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। अभी अभी पुलिस ने आपके पास सिक्योरिटी कोई नहीं लगवाया? कोई कुछ नहीं है। अच्छा, चलो मैं बात करता हूँ सर। वो कैमरा जुगाड़ करवा दो ना सीसीटीवी। रात को पक्का कोई आया? हाँ, पक्का कोई आया था रात को 1:30 बजे, घर वाली देखी थी अपनी आंखों से। अच्छा, उसके बाद विधायक साहब से हमने कॉल किया, तो विधायक साहब ने कहा पूरा सहयोग वो कर रहे हैं, लेकिन कोई सहयोग जो है विधायक जय भगवान उपकार जी, यानी जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनकी तरफ से कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि ना तो अभी तक वहाँ कोई सिक्योरिटी तैनात है और ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जब आम आदमी पार्टी हर गली नुक्कड़ों में सीसीटीवी कैमरे लगा रही है, चाहे वो बंद पड़े हो, लगा रही है, तो यहाँ जहाँ पर उस परिवार को पूरा खतरा है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा या सिक्योरिटी क्यों नहीं है? चलिए, दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के हाथों में नहीं है, लेकिन होमगार्ड, सिविल डिफेंस है, वो तो उनके हाथों में है। वहाँ उनको तो डीएम या एसडीएम से कहकर उनको वहाँ तैनात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक दलित परिवार है और दलित परिवार की मृतिका है साक्षी जाटव, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी इंतजाम नहीं है। उन्होंने बताया कि रात 1:30 बजे किसी ने उनके घर में झांका। जब हमने पूछा कि कोई वर्दी में था या सिविल में थे, तो उन्होंने कहा वर्दी में कोई नहीं था शायद, तो उनके घर में कोई झांक रहा था। यही बात हमने वहां के विधायक जय भगवान उपकार को बताई, तो जय भगवान उपकार ने कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं जय भगवान उपकार क्या इसमें करते हैं, क्या वो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, क्या वो सिक्योरिटी को वहाँ पर लगाएंगे, क्या वो पुलिस प्रशासन पर दबाव देंगे। तो अब ये देखा जाएगा क्या उनका परिवार सुरक्षित है या कोई अनहोनी, बड़ी अनहोनी जो है वो अंजाम देने वाली है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद।